हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और अभी आई हूँ स्कूल से, और स्कूल से लौटते समय मेरी मेडिसिंस ख़त्म थी, तो वो मेडिसिंस मैं लेके आई हूँ, क्योंकि फिर मुझे दोबारा जाना पड़ता तो उसमें प्रॉब्लम होती। तो मैं स्कूल से लौटते समय ही सारी जो भी चीज़ें होती हैं ख़रीदने की, वो मैं लौटते समय ही कर लेती हूँ, तो वो मैं करती हुई आई थी। और उसके बाद में आज जो है ना, आज एकदम मेरी आँख एकदम बंद हो रही है, इतनी नींद आ रही है कि मुझे वीडियो शूट करने का सच बताऊँ तो मन नहीं था। लेकिन जैसे होता है ना कि ये आपका काम है, तो अगर YouTube को आप अपने काम की तरह करेंगे कि आपका काम है और इसको करना ही करना है, तब आप इसमें इसे आप एज अ करियर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको लाइटली लेंगे कि हाँ चलो हो गया, नहीं करते हैं करते हैं, तो क्या होता है कि तब चीज़ें उतने अच्छे से हो नहीं पाती, आपको YouTube बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन एक बार आप YouTube से बंध जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, अगर वीडियो नहीं डाला तो फिर आपने कोई चीज़ मिस कर दी है। और अभी मैं जा रही हूँ, मुझे अपना एक माइक्रो प्लान तैयार करना है अपनी टीचिंग के लिए, तो वो मैं अपनी फ़ाइल स्कूल से लेके आई हूँ और उसी को मुझे तैयार करना है, तो जा रही हूँ वो काम करने। और एक हाथ से निकालने में दिक्कत हो रही है। हाँ, ये तो ये काम मुझे करना है, तो इसको मैं निकाल ले रही हूँ और अपना टिफ़िन बॉक्स निकाल दूँ। कल क्या हुआ था कि कल मैंने टिफ़िन बॉक्स अपना नहीं निकाला और उसमें खाना बचा हुआ था और वो बेकार हो गया। ये कोई डीजे वगैरह का किसी ने दिया हुआ है, वो इसमें पड़ा है। तो अब चलते हैं। और ये थोड़ी सी जलेबी है तो मिली थी मुझे, तो ये एक तो बची हुई है, मैंने खाई नहीं, ऐसे रखी हुई है। और ये दवाई है, तो टिफ़िन मेरा ये है। और अभी देख रहे हैं टेबल एकदम क्लटर्ड है, बहुत सारा सामान इस पर लगा हुआ है, तो अभी मैं टेबल पे काम करूँगी तो ये सारी चीज़ें साफ़ करूँगी। और बैग मेरा ये है, तो ये वो फाइल है जो माइक्रो प्लान के लिए मुझे तैयार करनी है, तो अभी जा रहे हैं इसी पे काम करने। और ये देखिए कुछ कोट्स हैं, मैंने प्रिंट निकाल के रखे थे, अभी यूज़ नहीं किए हैं। आई एम अ टीचर, व्हाट्स योर सुपर पावर, बेस्ट टीचर एवर, लिव लव टीच, लाइफ इज अबाउट ड्रीम्स, अ टीचर मेक्स देम कम ट्रू, इट टेक्स अ बिग हार्ट टू टीच लिटिल माइंड्स, ए पॉजिटिव टीचर। तो आई थिंक मुझे ये वाला कोट बहुत पसंद है, ये वाला। और ये जो है ना, ये चिया ने पेंटिंग की है, काफ़ी अच्छी लग रही है, पता नहीं क्या बनाया बट अच्छा लग रहा है। तो इसको मैंने निकाल के रखा था कि यहाँ पे मैं लगाऊंगी, तो उस दिन मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी, तो ये मेरी मम्मी हैं और मैंने इनकी फ़ोटो यहाँ पर लगा दी, और बहुत लो फील कर रही थी तो सामने लगा दी। और अभी चलते हैं ये काम करने। तो ये मेरी सिलाई मशीन है, तो यहीं पे मेरा जो बैग वगैरह है वो यहीं रहता है, और यहाँ पे मैं अपना चार्ज करने के लिए पीछे रख दे रही हूँ। ये टैबलेट है बच्चों के पढ़ने के लिए, और थोड़ा सा मैं अपना बैग वगैरह हटा के रख दूं और टेबल अपनी खाली करूं ताकि काम हो सके। और अगर थोड़ा सा आराम करने बैठ जाती ना, तो अभी काम नहीं हो पाता है, क्योंकि एक बार आप जब बैठ जाइए ना, कुछ भी मोबाइल चलाने लगी है, कुछ भी चलाने लगी है ना, तो फिर आपका समय ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं अब बिल्कुल भी बैठने नहीं वाली हूँ, मैं जा रही हूँ तुरंत अपने काम पे लगने। तो जो भी सामान है
वो सारा सामान मैं जो जहाँ का है वहाँ रख दूँ तब, क्योंकि बिना टेबल खाली किए काम नहीं हो पाएगा। और अब टेबल पे काफ़ी स्पेस हो गया है काम करने के लिए, तो चलते हैं काम करते हैं। तो अभी थोड़ा सा काम करने के बाद आ गई हूँ छत पे, और मैं ये देखने मतलब काम कर रही थी, मुझे लगा अंधेरा तो नहीं हो गया, दिया जलाने का तो समय नहीं हो गया, लेकिन आई तो देखा कि अंधेरा नहीं हुआ है और अभी दिया जलाने में समय है, तो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ी देर यहाँ रहेंगे। और ठंड हो रही है, मतलब ठंड पड़ने लगी है ऐसे लग रहा है, और आज स्कूल में भी ठंड लग रही थी और मुझे लग रहा था मुझे जैकेट वगैरह पहन के आना चाहिए था, और ना जैकेट तो कम से कम शॉल लेके आना चाहिए था, क्योंकि बाहर तो नहीं लेकिन रूम के अंदर जो है बहुत ठंडा रहा था। और आज मैंने फ़ैन भी नीचे लाया हुआ था स्कूल का, और तब भी ठंड लग रही थी। तो अभी दिया जलाने में समय है, तो थोड़ी देर बैठते हैं और उसके बाद में दिया जलाएंगे और तब जो है नीचे चलेंगे। लाइट भी नहीं आ रही है और बच्चे सब नीचे गली में खेल रहे हैं, और आई हूँ तो सोच रही हूँ ये मैंने अपना वॉशिंग मशीन का जो कवर है वो धोया हुआ था, तो वॉशिंग मशीन का कवर वॉशिंग मशीन में ही धो दिया था, तो इसको लेते चलेंगे, इसको याद से रख लेते हैं, तो इसको लेते चलेंगे। और ये चिया का झूला देखिए, ये चिया जब मैं दिया जलाने आती हूँ ना तो इसी झूले पे वो झूलती रहती है, और जितनी देर मैं दिया जलाती हूँ उतनी देर वो यहाँ झूलती रहती है। और ये कुछ पौधे मैंने लगा रखे हैं जो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं रहता गार्डनिंग वगैरह का, पहले करती थी तो वो देखिए उसके अवशेष रखे हैं गार्डनिंग के। और ये देखिए वॉल पे टांग रखा है, तो इतना सब है। ये देखो एकदम खुरपी जो है रास्ते में पड़ी हुई थी, इसको हटा दो नहीं किसी के पैर में लग जाएगी। और थोड़ा सा इसको नीचे लेके चलना है, तो चलते हैं कुछ काम करते हैं। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक। तो ये बेडशीट्स ये देखिए, कार के ऊपर किसी ने ये हथौड़ियाँ रखी हैं, और कार का कवर धो दिया गया था, इसलिए कार को